रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, आज हम देखेंगे कि रियल्टी स्पेस फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि प्रॉपर्टी साइकिल काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और नए लॉन्चेस के साथ लिस्टेड डेवलपर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी है। वैल्यूएशंस हालांकि मीन लेवल्स के ऊपर है। तो ओवरऑल अगर देखें, उन्होंने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है DLF, प्रेस्टीज और शोभा पर, और इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है ओबेरॉय और मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। एक्सिस बैंक भी हमारे रेडार पर रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि लोन ग्रोथ में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। 14 से 18% की ग्रोथ यहाँ हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को भी मजबूत कर दिया है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य रखा है 1130% का। शाले होटल्स अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर रहेगा। प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि बिजनेस ट्रैवल में रिकवरी से ये कंपनी को फायदा हो सकता है। शाले इनफैक्ट 88 रूम्स पुणे में और 168 रूम्स हैदराबाद में ऐड कर रहे हैं और ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते प्रभुदास लीलाधर ने कवरेज शुरू की है शाले होटल्स पर। लक्ष्य दिया है 455% का, जो करंट मार्केट प्राइस से करीब 35% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। इक्विटास SF भी हमारे रेडार पर है। इन्वेस्टेक का मानना है कि मैनेजमेंट को लेकर जो अनसर्टेन थी वो अब खत्म हो चुकी है। रिवर्स मर्जर के चलते 13% का बुक वैल्यू पर शेयर में हमें ग्रोथ नजर आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य रखा है 75% का। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेज इंडस्ट्रीज पर। MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उनका मानना है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। वुमेन्स सेगमेंट ग्रोथ को लीड कर सकते हैं और मिटीन ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है पेज इंडस्ट्रीज पर। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है, मगर उन्होंने अपना लक्ष्य घटाया है 50,900 से 50,500 कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वामाक्षी, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पेज इंडस्ट्रीज पर अपग्रेड की राय है, लेकिन टारगेट प्राइस में यहाँ पर कटौती कर दी है। रेटिंग अपग्रेड किया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 50,500 से घटाकर 50,900 कर दिया है। और इसके अलावा एक्सिस बैंक, शैलेट होटल्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी नज़र रखिए। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार तेजी भी बन रही है और कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट की कवरेज लगातार इस स्टॉक में बनी हुई है। कल 80 तक के लेवल्स हमने देखे थे इक्यूरस की तरफ से, और आज इन्वेस्टेक ने भी 75 रुपये का लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी के लिए। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटीना उस प्रदेश को। सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेजी अब देखने को मिल रही है। चाइना से ऑफकोर्स काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, जिससे कि इस स्पेस में एक सेंटिमेंट में सुधार हो रहा है। अब आगे और कितनी तेजी आप देख रहे हैं इस स्पेस में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो ईयर एंड है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा लेगलेस का मूवमेंट है, बट डॉलर इंडेक्स में अभी भी दबाव कंटिन्यू बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, और जो डॉवी स्टोन हमने पहले फेड की मीट से देखा था उसकी वजह से सोने और चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर रुपए में थोड़ी बहुत गिरावट जो चल रही है उसका भी सपोर्ट, इन सबको देखते हुए सोने चांदी में टोन अभी भी बुलिश है, बट थोड़ा सा बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। यहाँ पे सोने फरवरी में हमें लगता है कि 54,600 के ड्रॉप पे लेके चलिए, जो 55,100 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी में भी 68,800 तक का पुलबैक वॉलिटिटी रहेगी, क्योंकि मार्च वॉल्यूम्स काफी कम है, बट ऊपर में 70,200 70,300 तक के मैक्सिमम लेवल लग रहे। तो ओवरऑल सोने चांदी में आउटलुक 2023 के लिए भी काफी बुलिश है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। तो थोड़ी गिरावट आए तब यहाँ पर खरीदारी करने की राय सोने चांदी में। 2023 के लिए भी आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है, आप नजर रख सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। सोने चांदी में आगे भी तेजी का जो ये मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। इस बीच हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी अब एक तेजी आई है, $85 के पास कारोबार कर रहा है कच्चा तेल, यहाँ पर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका अजय क्रूड पर? देखिए पूजा जी, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो अनसर्टेनिटी काफी टाइम से हम कच्चे तेल में देख रहे हैं, बट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्राइजेस को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। पहला है जो चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को रिड्यूस किया है, उसका एक सपोर्ट मिलेगा बिकॉज एनर्जी डिमांड चाइना की तरफ से काफी ज्यादा रहती है। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो रशियन ऑयल के जो आउटपुट्स है उसमें कमी है, या प्राइस कैप की वजह से भी एक स्क्वीज पीरियड होता हुआ दिखाई देगा।
तो दोनों में ही मुझे लगता है कि फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, तो कच्चे तेल में भी 6600 के करीब लेके चलिए, अपसाइड रहेगा 6850 का, बट थोड़ा कॉशियस रहेंगे बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में कोई ना कोई नया इवेंट आता है जिसका मार्केट में मूव करता है, तो ओवरऑल मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ना, एक नेचुरल गैस भी एक अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो पोलर वॉर्टेक्स का अलर्ट दिया हुआ है यूएस में यूरोप में उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली नेचुरल गैस पे ही पड़ेगा, तो काफी बड़ी गिरावट पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखी है, बट 400 का एक बेस नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। एक कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। अजय, इसके अलावा मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप? देखिए पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें तो चाइना पे पूरी बेस मेटल डिपेंडेंट है, जिस ढंग से चाइना अब ओपन अप हुआ है डिमांड इंप्रूवमेंट होने की पूरी पूरी गुंजाइश है जिसका सपोर्ट कॉपर और जिंक को मिल रहा है, साथ में इन्वेंट्रीज भी काफी मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुकी है, इन सबको देखते हुए कॉपर और जिंक में ही बाय कॉल रहेगी, जहाँ पे 723 के करीब कॉपर को लेके चलिए, 732 का इमीडिएट टारगेट, बट हो सकता है 740 तक का भी लेवल एक्सटेंड हो जाए अगले 2 सेशन में। वहीं जिंक में काफी बड़े फॉल के बाद अब वापस बाइंग मोमेंटम गैदर हुआ है, 270 के करीब लेके चलिए, 276 का टारगेट रह सकता है। अजय बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो हर स्पेस में यहाँ पर फिलहाल अभी खरीदारी करने की ही राय दी जा रही है, कच्चा तेल मेटल में भी, जिंक और कॉपर में आप नजर रख सकते हैं, और सोने चांदी में भी खरीदारी की राय अजय की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय समय देने के लिए।